मृत्यु का मतलब कोई शमशान में जाने से मृत्यु नहीं होती, जो बिल्कुल उदास रहता है 24 घंटे उदास ही रहता है, उसमें लीजिए मरा हुआ है। ऐसे कई समाज में लोग होते हैं, आप उनके घर जाएं तो चाहे वो 40 साल के होंगे तो ऐसे ही बात करेंगे कि बस कुछ नहीं है, साला घर में भी बहुत जहां जी है कुछ है नहीं, अब ऑफिस में भी साला अफसर ऐसा मिला है, वो ऐसे नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो समझ लीजिए मरे हुए। ये यूं चल रहे हैं तंत्र का, कभी कभी ऐसा इफेक्ट भी होता है मुर्दे भी चलते हैं, ये तंत्र है। गुरु जी ने कहा है कि मुर्दे कैसे चलते हैं बता देना, देखो ये मुर्दे चल रहे हैं, ऐसा होता है। एक बार एक बाप था, बाप शिकारी था और बड़ी दिन लगता था कि मैं शेर आया, शेर के सामने गया और जो ये शेर सामने घुरा के ऊपर घुड़ा और मैं एकदम से बंदूक दागी सांप। एक बार तो शेर मेरे ऊपर चढ़ गया तो पंजा से पटक दिया और निशाना तो मेरा कमाल है। बस बेटे ने सोचा कि मुझे भी शिकारी तो बनना ही चाहिए, पिताजी इतने अच्छे निशान चाहिए। उसने कहा एक मील ऊंची चिड़िया उड़े गोली मारता हूं उड़ जाओ, खड़ा रह नहीं सकती, गोली लगे और गिरे ऐसा हो नहीं सकता मेरे हाथ में, जिंदगी में नहीं हुआ। दोस्त भी तारीफ करते, दूसरे तारीफ करते, पत्नी भी तारीफ करती, क्योंकि सुबह से बंदूक डाल के जाता, रात को आता 11 बजे रोता रोता। बेटे ने कहा मुझे सिखाओ, चलो बेटा आप तुझे सिखाते। बेटे को ले गए, एक चिड़िया उड़ रही थी तो उसने कहा देख बेटा मैं चिड़िया को गोली मारता हूं और तू देख। उसने गोली लगाई तो गोली फिर गई, उधर चिड़िया उड़ रही थी उधर। उन्होंने कहा पिताजी चिड़िया तो मरी नहीं उड़ रही, ये चमत्कार है बेटा, गोली लगने के बाद भी उड़ती रहती है, ये चमत्कार है, ये गुरुजी ने जो तुमने सिखाया ये तुम नहीं समझोगे, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया है, गोली लगने के बाद उड़ती रहती है, देख तो वो जिंदा है मुर्दे हैं और चल रहे हैं, ये भी चमत्कार है, जोधपुर का चमत्कार है, ये भी गुरुजी ने सिखाया है। अब आपको मैं दीक्षा क्रम दे रहा हूं और उस दीक्षा के दो क्रम हैं, मैंने कल भी आपको समझाया था और आपके मानस को स्वच्छ बनाने की कोशिश की थी। ये जितने भी पोथी पन्ने और वेद और पुराण उपनिषद हैं, इन लोगों ने तुम्हें जड़ बना दिया है, वे तो सही है पर उनकी भाषाओं को हम समझ नहीं पाए, इसलिए हम जड़ बन गए और जो कुछ बचा खुचा चीज था वो पंडों ने और पुरोहितों ने सत्यानाश कर दिया। उन्होंने बस जो कुछ आपको समझाया आप उसको पकड़ करके बैठ गए और आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि ये सत्य है भी कि नहीं सत्य है और ऐसा होता भी है नहीं होता है, आपने कभी जिज्ञासा कभी चेतना पैदा नहीं की। इसलिए कल जब मैंने आपको समझाया था कि साधनाओं में इतना तुम्हारे पास समय नहीं है कि उन ऋषि मुनियों के पास 2000 साल की आयु थी, 5000 साल की आयु थी, 3000 साल की आयु थी, वो साधना करते थे, तुम्हारे पास इतनी आयु नहीं है, तुम्हारे पास कुल 20 साल की आयु बचती है, 20-25 साल पढ़ने में व्यतीत हो जाते हैं, 20-25 साल पिछली जिंदगी में रोने जीने में व्यतीत हो जाते हैं, 50 साल के बाद तो बस खत्म खेल, 60 साल के बाद कोई जिंदा रहते नहीं और भूल से उसे कोई 70 साल का जिंदा हो भी गया तो आश्चर्य करते हैं कि मेरे पिताजी कितने साल के, 70 साल जिंदा, बड़ा आश्चर्य, 70 साल का जिंदा कैसे हो गए और 70 पार कर दिए तो विश्वास नहीं करता, अरे 75 साल के थोड़ी हो गए, अरे जोर बोल हमारे तो लिमिट हो गई 60, इसलिए कि हमने जीवन में रहना भूल गए, मुस्कुराहट भूल गए, छलछलाहट भूल गए, एकदम से सरिता की तरह बहना भूल गए, उदास हो गए। इसलिए जो 20 साल की आयु में इतनी साधना नहीं कर पाए तो फिर यही तरीका बचता है और मैंने भी अपने जीवन में उन 108 दीक्षाओं को लिया है गुरु से, जिससे कि अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकूं और हमारे जीवन का यह सौभाग्य हो, ऐसा कोई तो बिरला निकले कि उन्होंने 108 दीक्षाएं ली, ऐसा तो कोई निकलना चाहिए, मैंने तो अपने पूरी जिंदगी देखा ही नहीं किसी को। इसलिए कल मैंने जब बताया था कि तुम 5 दिन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओ तो तुम्हारी गलती नहीं है, वो शास्त्रों भी गलत नहीं है, शास्त्रों ने लिखा अपने शिष्यों के लिए, ऋषि ने, मैंने लिखा कि लक्ष्मी उपासना 5 दिन की होती है, जब मैं लिखा तो मेरे मानस में केवल वो शिष्य थे जो मेरे सामने थे, जो वह 3 साल से थे और 3 साल में साधना करते रहते थे, 3 साल उनकी मैच्योरिटी मैं मेकअप बन गई थी, तो जो मैंने लिखा जो सही लिखा था, और वो शिष्य जो 3-4 साल से उन गुरु के घर में रहना, गुरु के घर में खाना, गुरु के घर में लकड़ियां काट के लाना कृष्ण और सुदामा की तरह, और वही साधना करना, वही सिद्धि प्राप्त करना, दूसरा कोई काम ही नहीं था, तो वे 5 दिन में सफलता प्राप्त कर लेते। अब वो पॉसिबिलिटी यो नहीं रही कि मैं आपको सिखाऊं, फिर आप घर चले जाते हैं, फिर साल में एक बार आते हैं, आपका मेरा संपर्क 20 दिन का रहता है, कभी 25 दिन का रहता है, महीने भर का रहता है साल भर में, तो वो सफलता नहीं मिल पाती, उसके लिए फिर कवर अप करना पड़ेगा तुम्हें, वो जो आपका 320 दिन का जो डिफरेंस है, 40 दिन का डिफरेंस है, वो कवर करना पड़ेगा इस प्रकार से दीक्षाओं के माध्यम से, तब आपकी उस मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे, तब जरूर गारंटी के साथ में ऐसा होता है, अगर मुझे दीक्षा दी मैं भी
पहली जो साधना की थी, मैं अपने व्यक्ति जीवन अनुभव दो, पहली साधना की 3.5 साल बाद सफलता मिली। 3.5 साल तक मन तो जपता रहा और मैंने सोचा कि ये सब झोली डंडा बेकार, फेंको इसको, वापिस घर जाओ, पिताजी तकलीफ आ रहे हैं, पत्नी तकलीफ आ रही है, सब झींक रहे हैं और मैं यहां बैठा बैठा फकड़ की तरह बैठा हूं, साधना ऐसी मिलती नहीं, सब बेकार बकवास। मेरे मन में भी ऐसा आया था, फिर भी मेरे मन में पेशेंस बहुत है और बहुत धैर्य रखता हूं, जोर से ज्यादा। अगर पहाड़ भी गिर जाए ऊपर तो मैं चीखता चिल्लाता नहीं हूं, पहाड़ गिर जाए तो धीरे से उस पहाड़ को तल्ला देकर के पास में निकल जाता हूं, हाय मर गया, पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया, चीखने से पहाड़ कौन हटाएगा, उल्टा वो खुद चढ़ेगा मेरे ऊपर तो और तकलीफ देगा। इसलिए पेशेंस तो रखना पड़ता है, तुम लोगों में उतना पेशेंस शायद नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने साधना में इतनी ठोकरें नहीं खाई, मगर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे ऊपर मेरी आशाएं हैं, मेरी चिंतन है कि तुम लोग कुछ करके दिखाओगे तो समाज को एहसास हो पाएगा कि है, मैं बहुत महान ज्ञानी ज्ञानी हो भी जाऊं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम लोगों को बना दूं, ये बड़पन मेरा है। इसलिए मैं बार बार चीख करके तुम्हें कहता हूं, उसके पीछे मेरा ये मंतव्य है कि तुम जो दिए चिमटिमा रहे हो, सूर्य बन जाओ अपने आप में और सूर्य बन सको काम कर सको। मैं कल प्रयोग किया था ऐसा, आप कुछ सीखे आप करें प्रयोग, कहीं भी करें, वसीकरण करें, त्राटक करें, उच्चटन करें, जो कुछ भी करें आप करें और रिजल्ट मिले, मेरा कुल कहने का मकसद ये है। मगर आप खुद भी कुछ मेरे साथ सहयोग करेंगे तब हो पाएगा। मैं बहुत अच्छे घोड़े को मानसरोवर झील पे ले जाऊं पकड़ करके, उस घोड़े को कहूं तू बहुत अच्छा घोड़ा है, झील का पानी बहुत अच्छा है, देख बेटा तू पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी, और घोड़ा नीचे झुकाऊं और घोड़ा करके खड़ा ही, फिर लगाम पकड़ के नीचे खेजो, अब नहीं पिए पानी तब झील बहुत अच्छी, मैं ले गया पी ले गई, प्यास बुझेगी, अब पिए ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो वहां तक ले जा सकता हूं। अब आपको मैं कहूंगा आप ये खड़े हो जाएंगे तो मैं जबरदस्ती ज्ञान डाल नहीं सकता। इसलिए और मैंने कहा आपने दीक्षाओं पर ध्यान दिया, ये दूसरी बात, इसलिए मुझे संतोष है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, ये विश्वास इसलिए बना है, और ऐसी सफलता पा सकोगे, ऐसा हो सकेगा। आज मैं लक्ष्मी प्रयोग में दीक्षा दे रहा हूं, फिर प्रवचन कार्यक्रम करेंगे। इस लक्ष्मी दीक्षा का तात्पर्य है कि हम जो लक्ष्मी साधना करें, जो हमने मंत्र दिया है वो मंत्र अपने आप में तेजस्वी मंत्र है, क्योंकि इसमें तेजस्वी मंत्र है कि अपने आप में चैतन्य मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा प्रणीत मंत्र है, ब्रह्मांड से उत्पन्न मंत्र है, और जिन जिन लोगों ने भी इसको सिद्ध किया उसने सफलता पाई है, मैंने पाई है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये तुम बीज हो और बीज जमीन में मिल जाता है, नीम का पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है, आज से 5 साल पहले तो यहां नीम का पेड़ था ही नहीं, आज इतना बड़ा पेड़ है, नीचे 400 300 200 200 आदमी बैठे, 5 साल पहले तो ये छोटा सा बीज था और जमीन में पड़ा हुआ था, मगर बीज ने थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा हवा मिली, इसको खाद मिला, आज पेड़ बन गया, 5 साल में पेड़ बन गया। तो आप भी बीज की तरह हैं, अगर खाद पानी सही मिलते गए तो आप पेड़ बन जाओगे, छायादार बन जाओगे, लोग तुम्हारे नीचे बैठ के विश्राम करेंगे, आनंद अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे कि हम शीतल छाया में बैठे, बीज गड़बड़ नहीं है तुम्हारा, तुम सही हो, मगर तुम्हें खाद पानी सही नहीं मिल रहा है। घर जाते हो तो परिवार वाले कहते हैं क्या चक्कर में पड़ रहे हो, कहां चक्कर काट रहे हो, ये बेकार है, क्या होता है इसमें, ये सब डोंग पखंड है, तुम सोचते कुछ हो नहीं। आसपास वाले कहते हैं, चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, सब यही कहेंगे, नेगेटिव बात ही करेंगे, तुम अकेले कहां तक जूझोगे, फिर तुम हथियार डाल देते हो, चलो अब नहीं जाएंगे, ये तुम्हारी कायरता है, बुझ लिए। जब एक बार निश्चय कर लिया तब एक बार उस निश्चय को पूरा करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी प्रयोग का मतलब है कि तुम्हारे शरीर में ही उस लक्ष्मी को स्थापित कर दे, शरीर में स्थापन करने का मतलब है शरीर का प्रत्येक रोम रोम अपने आप में जागृत और चैतन्य हो जाए, और जो डिफरेंस मंत्र जाप का है जो तुम होठों से नहीं कर सको वो तुम्हारे रोम रोम मंत्र जाप करके कर सके। आप ही नहीं बोल रहे, आपके रोम भी बोलते हैं, आपका एक मुंह नहीं है, आपके पूरे शरीर के जितने रोम है वो सब मुंह है। इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में सोते हैं तो एक लाख फण वाला वासुकी उसके ऊपर छाया करता है, लाख फण तुमने देखे नहीं, और वासुकी अपने आप में कोई शर्त है, बहुत मनुष्य है, अंगरक्षक है, और इतना अंगरक्षक है क्योंकि प्रत्येक रोम प्रत्येक मुंह से उसकी रक्षा का शब्द निकलता रहता है। इसलिए वो सहस या एक लाख मुंह वाला रावण के 10 हाथ थे या 20 हाथ थे, उनको 20 हाथ लगे हुए नहीं थे या 10 सिर को जुड़े हुए नहीं थे, ये तुमने चित्र बना दिया है। उस बार 10 एक ऐसे आदमी थे नए बिल्कुल समर्पित थे, इसलिए वो 10 हाथ वाला और 20 हाथ वाला बना। मेरे साथ भी 2 आदमी बहुत कर्मठ हो जाए तो मेरे भी 4 हाथ या 6 हाथ हो जाएंगे, 2 हाथ मेरे 2 हाथ इसके 2 हाथ इसके 6 हाथ वाले हो गया,
दो एक आदमी और मजबूत मिलेगा, आठ आठ वाले हो जाऊंगा। प्रतीक समझना चाहिए, वो प्रतीक है। आपने बस दस मुंह बना दिए, दस मुंह में खाना खिला दिया, वो वहां मुरादाबाद के पास में एक मंदिर है रावण का, और लोगों ने राम जी का मंदिर, रावण जी का मंदिर बना दिया, पूरा मंदिर है, लोग दर्शन करने जाते हैं, भोग लगाते हैं, और बड़ा एक आश्चर्यजनक है उसके नैनीताल के आगे कोई स्थान है, सेनेटोरियम है, उस सेनेटोरियम के आगे की जाएगा, मुझे याद आ जाएगा, वहां पर रावण का मंदिर, उस रावण के मंदिर दस मुंह बनाए हुए, और रोज उस मुंह में लड्डू डाले, अरे कागज लड्डू डाले रावण के मुंह में, और रावण खड़ा मुंह से पट दिए हुए खड़ा, और बिल्कुल साफ बहुत जोश में। मैंने कहा कोई ऐसा भक्त होगा बेचारा, बना दिया रावण का मुंह। दूरदर्शन के मंदिर तो देखे कई, यहां पर हरिद्वार के आगे है मंदिर, कई मंदिर है जहां दुर्योधन के वंशज रहते हैं, मगर रावण का मंदिर पहली बार देखा उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो थे, मगर ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात, कभी इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे कि रावण क्या था कैसा था। अभी तो लक्ष्मी जी पर आ जाए, चर्चा उसकी करें, इसलिए मैं आपके शरीर में लक्ष्मी स्थापित करना चाहता हूं, जिससे कि आपका प्रत्येक रोम, प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण उस मंत्र को ध्वनित कर सके जो मंत्र मैंने कल आपको बताया है। आपके पास नारियल है और यज्ञोपवीत है, नारियल कोई बहुत पवित्र चीज नहीं है कि नारियल से ही तुम्हारी श्रद्धा और महानता बन जाती हो। नारियल का मतलब है नारियल नीचे पड़ा हुआ है, और नारियल का मतलब है शिर, हमारी बुद्धि, उसको हम नीचे रख करके दीक्षा ले रहे हैं, ये अर्थ है उसका। कोई नारियल को रखने से ही कोई भगवान नहीं मिल जाते हैं, नारियल तो एक प्रतीक है, तुम उस नारियल को लेकर के बैठ के बस ये नारियल, ऐसे कैसे तुम मानेंगे कि हम बहुत श्रद्धावान झुके हुए हैं। इसे शीश उतारे भूमि धरे वो पैसे घर में आए, जो शीश काटे और जमीन पर रख दे, इस नारियल को जमीन पर रखा इसलिए कि मेरी जो बुद्धि है, मेरे जो तर्क है, मेरी जो अज्ञा है, अज्ञान है, आलस्य है, वो सब जमीन पर रख करके अब मैं इस दीक्षा में या साधना में प्रवेश कर रहा हूं। ये प्रतीक बुद्धि के माध्यम से तुम दीक्षा कैसे लोगे, बुद्धि तुम्हारी कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी, बुद्धि कैसे हटाओगे, वही प्रतीक रूप में। इसलिए नारियल का जीवन महत्व दिया है, इसलिए इसको खोपड़ा कहा गया है। खोपड़ा कहते हैं कई जगह खोपड़ा, खोपड़ा का मतलब ये खोपड़ा जो तुम्हारा बहुत तकलीफ दे रहा है, तुमको और मुझको दोनों को दे रहा है, इसलिए नीचे रखवा रहा हूं। थोड़े और ज्यादा होंगे तो चाकू मार करके नीचे रखेंगे खोपड़े को तुम्हारे, करेंगे ऐसा नहीं मानोगे तो कुछ नहीं करेगा। अभी तो प्रतीक रूप में रख रहे हैं, और हाथ में लेने का मतलब है कि ये मेरे हाथ में है और आपके चरणों में समर्पित है। यज्ञ पवित्र का तात्पर्य है कि मैं अपने इस साधना में इसलिए भाग गया हूं, तीनों धागे हैं और मेरे पास तीन ऋण है, देवताओं का ऋण है, उन्होंने मुझे पानी दिया है, देवता ने यह हवा दी है, वायु देवता है, जल देवता है, आकाश देवता है, सूर्य देवता है, ये ऋण मेरे ऊपर कि वो दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, पितृ ऋण है और तीसरा मनुष्य ऋण है। इन तीनों ऋणों को मैं शरीर पर धारण कर रहा हूं, हृदय के ऊपर से अगर डरता रहेगा मुझे याद आता रहेगा ऋण है मुझे उतारना है, और तीनों ऋणों का समन्वय रूप गुरु ऋण है। उस गुरु ऋण को याद दिलाने के लिए उस एक पवित्र को धारण किया हुआ है, इसलिए इन दोनों चीजों को आपके सामने रख करके